अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवी देव। आप देख रहे हैं नवी देव। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मास के बारे में, मास को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे उसको मापते हैं। आज हम आते हैं फिजिकल बैलेंस। जो फिजिकल बैलेंस होता है उसे हम कैसे उसकी मेजरमेंट करते हैं, उसके कैसे मापते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हमें इसके डिफाइन पे आते हैं। फिजिकल बैलेंस इज ए सिंपल वेट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो हम एक सिंपल मींस के इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एक औजार है जिसे हम इसको मापते हैं वेट को, किसी भी चीज का वेट हो। जैसे एक वाकर है, इसका भी वेट, इसका भी ग्राम में वेट होगा, कितने ग्राम इसका वेट है, उसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं फिजिकल बैलेंस। तो उसके बारे में एक हमने यहाँ पे ये फिजिकल बैलेंस का एक एग्जाम्पल बनाया है। तो हम पढ़ते हैं, बाय जस्ट ट्रेवलिंग स्क्रू कलम लाइन ग्रोथ जस्ट अबो इन पॉइंटेड प्रोजेक्शन ऑन द बैलेंस। जो एक लाइन होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है एक ये स्क्रू है, बैलेंस स्क्रू। जब हमें इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसका जो ये स्केल है इसमें लचक पैदा होगी। उसके यहाँ पे एक लीवर लगा हुआ है जो इसका बीच वाला हिस्सा है, उसमें ये लेवलिंग स्क्रू लगे हुए हैं। यहाँ पे दो स्क्रू, हम कोई भी मापने चीज होती है उसके नीचे ना कोई सपोर्ट होती है, तभी वो एक जगह चिपका पाता है, उसका हमें एक मेजरमेंट अच्छे तरीके से दे सकता है। तो उसमें पहले आता है हुक। ये एक हमने बर्तन लिया है, एक मींस के साइमी है, उसका एक पोर्शन ये एक ये, उसमें पहले यहाँ पे हुक होता है जिसमें वो चीज लटकी हुई होती है। उसके बाद इसके बीच में जो स्केल होता है वो पॉइंटर मींस के उसमें कितने पॉइंट नीचे कितने ग्राम है या कितने किलो है उसके बारे में। उसके बाद एक स्केल होता है यहाँ पे, उसके नंबरिंग लगी होती है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कितने कहाँ पे बीच में, यहाँ पे एक और का जीरो का निशान हुआ। जब ये एक फिक्स पॉइंट पे आ जाएगी तो वो स्केल वहां पे रुक जाएगा। फिर इसमें आते हैं, ये होता है पेन। जो कोई चीज साइमी जो है, हम जहाँ पे इसमें कोई भी वेट रखते हैं जिसे हम डब्ल्यू डिनोट करते हैं, यहाँ पे हमने जब वेट रखा उसको हम क्या कहेंगे पेन। तो यहाँ पे एक लटकी होगी, यहाँ पे कुछ नहीं हो, ऐसे हम कोई चीज यहाँ पे लटक दे तो यहाँ पे कोई भी वेट हम रख नहीं सकते। हमने यहाँ पहले बैलेंस कराने के लिए कोई पेन रखा है, उसके बाद उसमें कोई चीज रखी है। उसके बाद इसमें यहाँ पे एक नाइफ है जो लगा होता है, एक जो हमारा चाकू नुमा एक यहाँ पे चीज लगी होती है। उसके बाद आता है यहाँ बीम होती है जो इसको अपने तरफ खींच रही है, मींस के अपने तरफ से लटका के रखती है। उसके बाद यहाँ पे होता है स्टम्प जो इस पे स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे जो इसको नीचे भी कर सकता है ऊपर भी, जो इसके मींस के इसको बैलेंस रखने के काम आता है। उसके बाद बैलेंस स्क्रू होता है जो क्लॉक वाइज एक होता है, क्लॉक वाइज दूसरा होता है एंटी क्लॉक वाइज। जब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये जो है वेट जो होगा वो नीचे आएगा। जब ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये वेट ऊपर जाएगा। उसके बाद प्लम्बर जो यहाँ पे स्केल के बाहर की साइड यहाँ पे जो एक मींस के इसके सपोर्ट नुमा चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं प्लम्बर। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमें एक सुई में एक चीज लटकी हुई होती है धागे में जिसे हम क्या बोलते हैं प्लम्बर लाइन। जो हम जब वेट इस तरफ आएगा तो ये नीचे हो जाएगी, जब इस तरफ आएगा तो नीचे ऊपर हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोले प्लम्बर लाइन। तो उसके बाद यहाँ पे स्क्रू होता है जो हमें लेवल बढ़ता रहा है, कौन सी लेवल इस जगह पे हमने इसको रखा है वो देगा बैलेंस है या नहीं, तो ये हमें क्या बताता है स्क्रू जो ये जगह बैलेंस है या नहीं है उसके बारे में बताता है। जो हमने इसमें पढ़ा फिजिकल बैलेंस। तो आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।